अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। तो जी, आज का व्लॉग है, मैं आपसे शेयर करती हूँ कुछ ट्राउज़र के डिज़ाइंस। होप सो कि आपको अच्छे लगेंगे। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, क्योंकि रोज़ाना डेली रूटीन देखते देखते भी बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज अपने ब्लॉग में थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखाती हूँ। तो ये है जी ट्राउज़र, ये इसमें देखें आप येलो कलर की जो है ना सीढ़ियों वाली लेस लगाई है, बिल्कुल पतली, और ये थोड़ा सा गरारे टाइप का डिज़ाइन है। नीचे से जैसे झालर लगी हुई होती है, तो इसका थोड़ा सा नीचे से फॉल जो घेर है वो ज़्यादा है। तो इस ट्राउज़र का डिज़ाइन बहुत अच्छा लुक आता है इसका। तो देखें, ये लॉन में, कॉटन में, ये दोनों तरह के, या फिर जो ना रेशमी वगैरह ड्रेसेस जो होते हैं उसमें भी हम बनवा सकते हैं, उसका लुक बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, तो ये है दूसरा डिज़ाइन, और दिखाती हूँ मैं आपको दूसरा डिज़ाइन। ये देखिए, ये जो है ना सिंपल सा है मगर बहुत अच्छा है। इसमें मोती लगे हुए हैं, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है, सिंपल सा है मगर बहुत अच्छा लुक आता है। ये रेशमीन ट्राउज़र पे ये डिज़ाइन बना हुआ है, रेशमीन पे या लॉन पे, कॉटन पे भी ये हम बनवा सकते हैं। छोटे छोटे इसमें मोती लगे हुए हैं, तो ये बॉक्सेस जिस तरह से बनते हैं ऐसे बना हुआ है ये, बुकरम लगा के ना, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो इसमें बुकरम यूज़ होगी, और इसमें जो ना जो शर्ट का कपड़ा होता है वो ट्राउज़र में यूज़ किया है, ताकि ये डिज़ाइन प्रोमिनेंट हो जाए। ये देखिए जी, कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, सिंपल है मगर बहुत अच्छा है। तो ये इसमें छोटे मोती भी लग सकते हैं और बड़े मोती भी लग सकते हैं, जैसे कि आप लगवाना चाहें। अगर बड़े मोती लगवाएंगे तो थोड़ा सा गैप ज़्यादा होगा, छोटे मोती लगवाएंगे तो गैप थोड़ा कम होगा। अच्छा जी, तो ये देखिए, ये वाला ट्राउज़र का डिज़ाइन जो बना हुआ है, ये कॉटन पे बना हुआ है। ये इसमें भी जो है ना, ये देखिए, ये स्टेप्स इस तरह से बने हुए हैं, और ये बुकरम इसमें यूज़ करिए ये भी, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे, खड़ा खड़ा रहे। तो ये देखिए जी, ये ऊपर भी और नीचे भी ये डबल बना हुआ है। ये अगर सिंपल ट्राउज़र पे बनवाएं तो तब भी नज़र आएगा, और ये प्रिंटेड ट्राउज़र में भी ये अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, ब्लैक के साथ जो है ना, ये मैं आपको करीब से करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसमें इस तरह से जो है ना, ये पतली पतली सी स्ट्रिप्स इसमें जैसे बनाते हैं उस तरह से बनाई हुई हैं, और ये ट्राउज़र में डबल करके लगाया हुआ है। तो ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, होप सो कि आपको पसंद आएगा। और अगर आप ये बनवाना चाहें तो पिक्चर कैप्चर कर सकती हैं आप लोग। ये देखिए जी, ये है इसका लुक। इसमें मैंने आपको बताया कि ये डबल बना हुआ है, तो ये ऊपर भी है और नीचे भी है, और इसमें बुकरम यूज़ होती है, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अगर बुकरम यूज़ नहीं करेंगे तो वॉश करने के बाद ये बिल्कुल ही ख़राब, मकसद ये कि बिल्कुल ऐसा लुक नहीं आएगा। अच्छा जी, ये है दूसरा ट्राउज़र। इसमें जो है ना, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो है ना लेस लगी हुई है, जैसे GPO लेस होती है वैसे लेस लगी हुई है इसमें। सिंपल है मगर अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा ना। ये देखिए, इसका ये जो लेस है, इसके लेस से जो है ना लुक बहुत अच्छा आ रहा है। ये ट्रिपल करके जो है ना इसमें हम लेस लगाई हुई है, जैसे हम डबल करके लेस लगा लेते हैं या फिर ट्रिपल करके लेस लगा लेते हैं, तो इस तरह से थोड़े गैप से ये हमने जो है ना इसमें यहाँ पर ये लेस लगाई हुई है। ये देखिए जी, मैं आपको आगे पीछे से सब जगह से दिखा देती हूँ, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, और इसका लुक भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये देखिए, ये है दूसरा डिज़ाइन। अच्छा, ये कलरफुल मल्टी लेस में है, ये लेस लगी हुई है, और ये जो है ना स्क्वायर में बॉक्स काटा हुआ है, और ये जो बीच में दो बंच हैं, ये जैसे आप फ्लावर्स देख रहे हैं, ये दो बंचेज हैं एक्चुअली ना। ये पीछे तक बिल्कुल मल्टी में लेस लगी हुई हुई है, और ये आगे जो है ना दो बंचेज लगाए हुए हैं, और बंचेस को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि ये बॉक्स के अंदर बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। देखिए, मैं आपको दूसरा भी ट्राउज़र का वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है इसका लुक। इसमें मल्टी लेस ऊपर से लगाई भी है, तो ये डिज़ाइन भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है इसमें, और इसकी जो शर्ट है वो कलरफुल है, तो ये बंचेस में जो है ना मैच हो रही है। ये देखिए,
और नीचे से जो है ना एक पतली सी स्ट्रिप भी लगाई है ताकि ये बैलेंस रहे। इसमें भी बुकरम का इस्तेमाल किया है ताकि ये बिल्कुल जो है ना लटके नहीं, स्ट्रेट रहे। अगर हम बुकरम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वॉश होने के बाद बिल्कुल अच्छा लुक नहीं आएगा। अच्छा जी, तो ये देखिए, ये जो है ना इसमें मोती लगे हुए हैं, ये 3 रॉस बनाई हुई है। मैं आपको सही करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ना ये 3 रॉस लगी हुई है। सबसे बीच वाली जो है वो थोड़ी सी लंबी है और साइड वाली जो है वो दोनों छोटी हैं, लेफ्ट और राइट की। और ये इसमें जो है ना, और नीचे बॉर्डर है। ये देखिए मोती लगे हुए हैं इसमें बीच में। शर्ट में जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी उस कलर के जो है ना इसमें मोती लगाए हुए हैं। इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए, सिंपल तो है मगर बहुत अच्छा है और ज़बरदस्त। इसका इस मोती से जो है ना इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। अच्छा, मोती छोटे होंगे तो लुक ज़्यादा अच्छा आएगा, बड़े मोती में या बड़े बीट्स वगैरह जो होते हैं उसमें लुक इतना अच्छा नहीं आता। तो ये देखिए, छोटे मोती में लुक जो है ना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। छोटे छोटे पर्ल्स लगा लें या फिर कोई भी बीट्स या कुछ भी हो तो वो छोटे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनेगा। और इसके नीचे बॉर्डर आ जाएगा ट्राउज़र का जो है। ये देखिए आप, ये देखिए जी इसका फाइनल लुक। अच्छा जी, आज मैं आप दिखाती हूँ दूसरा। ये ट्राउज़र, इसमें जो है ना क्या कहते हैं, ये जो ज़रई का जो वो कपड़ा होता है इससे जो ना क्रॉस में ये डिज़ाइन बनाया गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये दूसरा ट्राउज़र का वो है। ये क्रॉस में जो ना डिज़ाइन बनाया, सिंपल है मगर ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका ट्राउज़र का लुक बहुत अच्छा आता है, कमीज़ के साथ बहुत अच्छा लुक आ रहा है शर्ट के साथ ना। ये देखिए जी, ये है इसकी लुक। और हम कॉटन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रई का कपड़ा या कोई दूसरे जो और का कपड़ा आप लेना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी बुकरम यूज़ होगी। अच्छा जी, ये देखिए, ये वाला ट्राउज़र, ये कमीज़ का जो ना जो शर्ट थी उसका प्रिंटेड पूरा कपड़ा था, तो ये हमने इस तरह से इस्तेमाल किया है उसको। ये देखिए जी, ये ना ये है इसकी लुक। ये देखिए बीच में स्ट्रिप आ रही है और नीचे और ऊपर जो है ना डिज़ाइनिंग किस तरह कितनी अच्छी दी हुई है। तो ये शर्ट के साथ ना बहुत अच्छा इसका लुक आ रहा है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने दोनों तरफ से आपको दिखाया। ये है, इस दूर से करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। होप्सो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा ये ट्राउज़र के डिज़ाइन। ये सिंपल जो आम हम घर में पहनते हैं कपड़े या फिर पार्टी वेयर में भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग वगैरह। ये देखिए, ये भी जो है ना बटन लगाए हुए हैं और ये ज़रई से जो है ना ये बनाई हुई है। ये देखिए, ये कितनी अच्छी और कितनी फिनिशिंग आ रही है इसमें। ये पूरी ये शर्ट में जो है ना गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो ये गोल्डन कलर की ज़रई से जो है ना कपड़े से ये पूरा झालर टाइप की जो पतली वाली प्लेट्स वाली होती है झालर, ये उससे बनाया हुआ है। ये देखिए, ये बटन लगाए हुए ताकि इसका लुक थोड़ा और अच्छा आ जाए। बटन वगैरह और बीट्स ये सब कुछ तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है ट्राउज़र और स्लीव्स के डिज़ाइन में। ये देखिए जी, मैं दूर से करके दिखाती हूँ। या जी इसकी लुक, इसकी बहुत ज़बरदस्त प्लेट्स वाली जो है ना, ये प्लेट्स प्लेट्स करके ये बनाई हुई है। बहुत अच्छे इसका लुक आ रहा है। इसको जो है ना कॉटन में भी और लॉन के ड्रेसेस वगैरह में भी हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है। अच्छा जी, तो ये सारे ट्राउज़र के डिज़ाइन थे जो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो जी, होप सो कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे ये ट्राउज़र के डिज़ाइन। और मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, रोज़ाना डेली रूटीन से हटकर कुछ करो तो अच्छा लगता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको ट्राउज़र के डिज़ाइन शेयर करती हूँ। इसके अलावा और भी मैं ट्राउज़र के डिज़ाइन और नेक लाइन डिज़ाइन भी आपसे शेयर करूँगी। होप सो कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।